पिछले 5 सालों में लाखों सपने पूरे हुए। वसुंधरा राजे की सरकार आई, हमने आने वाले कल से आंखें मिलाई। राजस्थान बदला, संवरा और आगे बढ़ा। 5 साल पहले आपने मुझ में विश्वास दिखाया और हम साथ चले। साथ मिलकर इस विश्वास के बीज को हमने मेहनत से सींचा और ये बीज फला फूला और राजस्थान आगे बढ़ा। हमने कई योजनाएं चलाई, किसानों के कंधों का बोझ हल्का हुआ, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई, युवाओं को रोजगार के नए मौके मिले। आपके विश्वास पर खरा उतरने की हमारी कोशिश साकार हुई। पानी फसलों तक पहुंचा, खुशियों की बरसात आई। जहां रेत थे वहां खेत बने। हम कहां से कहां आ गए। जो गवर्नमेंट जो अभी बनी नहीं, इसने जो किसानों के लिए ये 4-5 साल में जो काम किया, ये अभी तक किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ था। लगभग 2300 नए नलकूप का निर्माण कराया है, 5,500 नए हैंडपंपों का निर्माण किया गया है, 900 के लगभग आरओ प्लांट स्थापित किए गए हैं। इतना पानी आ गया, 2-2 साल का पानी हमारे इकट्ठा रहता है। उसके अंदर जो कुआ और बावड़ी खुदाई है, बावड़ी का शुद्ध पानी गांव वाले और किसान लोग 36 को पीती है। भाई 12 महीना से पानी पानी है, कोई कमी वाली बात नहीं। सब मनंग दुखिया था, सूखा हो चुका, कोई दुख नहीं है। जब से सरकार का सहारा है, कर्ज उतरे, खेत उपजे। क्या था कल, क्या है आज, अनाज ही अनाज। हमारे जितने भी किसान भाइयों का कर्जा था 50,000 तक का, वो है जो माफ कर दिया सरकार ने। लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, सब्जी के अंदर क्वालिटी अच्छी मिली, सब्सिडी घर बैठे आ गई, कम मेहनत में ज्यादा फसल हो गई, तो इस प्रकार से हमारा जीवन स्तर काफी ऊंचा उठ गया किसानों का। विसंतरा जी ने खूब फायदा किया, जमीन की घोषणा भी की, वहाँ भी खाद बीज भी उधारा दिया, अब लोना भी दी, तो वे भी माफ की जा रही। आम आदमी और मजदूर और किसान सब खुश हो गए। गांव गांव में बिजली, घर घर में रोशनी। कल जो अंधेरी रात थी, आज उसमें उत्सव सी चमक आई। जब से वादों की पक्की वसुंधरा राजे सरकार आई। किसी भी तरह की योजना के लिए काम पड़ता है तो मुख्यमंत्री जी हमेशा 2400 घंटे सरकारी काम के लिए तत्पर रहती है। हमें बजट उपलब्ध कराया और इन सभी कार्यों को पूर्ण कराया, जिससे जनता को अत्यंत ही लाभ हुआ। तो हमारे बहुत अच्छा सुधार आ गया, बच्चे भी अब पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं, हम भी ऐसे खाना वाना टाइम से बना के खा रहे हैं, मतलब अच्छा हो गया हमारा। सरकार ने 10 किलोवाट तक के सोलर पंप पर भी सब्सिडी 50% से 75% तक देने की घोषणा कर रखी है। कच्ची सड़कों के दिन गए, पक्की सड़कों से बन रहा है भविष्य पक्का। आज राजस्थान की प्रगति में तेज रफ्तार है आई। पैदल जाना पड़ता था, जैसे मैं साइकिल मिली वसुंधरा राजे की ओर से, मैं आजादी मिल गई। पहले कच्चे रास्ते थे, वहाँ पे लोगों को डामर सड़क की अच्छी सुविधा उपलब्ध हुई है। कांग्रेस की टेम में ऐसा काम हुआ नहीं, जो आज बीजेपी सरकार ने ये काम किया था। मुझे खुशी है कि आज महिला और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। अब लक्ष्मी घर आई। सचमुच उजाला लाई। मैंने मेरी बहनों के उत्थान को लेकर भी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि महिलाओं की तरक्की के बिना समाज की तरक्की अधूरी है। जब से आई है सच्ची सरकार,
उम्मीदों से रंगे हैं पक्के मकान। पहले क्या है कि लड़कियों को बोझ समझा जाता था, वसुंधरा जी की मदद से और उनकी योजनाओं की मदद से बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लोग बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, स्कूल भेजने लगे हैं। समाज में जो कुरीति है, जो बच्चियों के प्रति अलग नजरिया है, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है जिनसे महिलाएं और जो बेटियां हैं वो सशक्त हुई है। परिवार के ऊपर बोझ ना होकर के वो एक संपूर्ण समाज को दिशा दे सके, गति दे सके। कोई है जो रख रहा है सबकी सेहत का ध्यान, अब बाजुओं में ताकत लौट आई। आज बच्चे बुजुर्ग सब सेहतमंद हैं। चार साल पहले गरीब आदमी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, प्राइवेट में व्यवस्था नहीं थी, पैसा नहीं था। अब सारी सुविधाएं अपने को वसुंधरा जी की वजह से हर हॉस्पिटल में मिल गई। वसुंधरा जी की वजह से मैं अपने परिवार के अच्छे से गुजारा कर पा रहा हूँ। पहले मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एबल नहीं था, इस वजह से अब मेरे पास पॉजिटिव थिंकिंग है कि नहीं यार, जहाँ लोग जा सकते हैं मैं भी जा सकता हूँ। जो अस्पताल जाने से भयभीत होता था कि पैसा खर्च होगा, पैसा होता नहीं था, उससे राहत मिली है आम जनता में। मेरा हार्ट का ऑपरेशन पिछले साल हुआ था, मेरा दिल वसुंधरा मैम के साथ है। राजस्थान का भविष्य युवाओं के हाथ में है। हम राजस्थान के युवा को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं, जिनके हाथों के हुनर को दिशा दिखाना जरूरी है। इस योग्य बना रहे हैं कि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। अब रोजगार के अनेक रास्ते हैं, आखिर राजस्थान के युवा मेहनत करना जो जानते हैं, देश विदेश का काम संभालते हैं। इन 5 सालों ने तकनीक दी, विकास के साधन भी। जो हाथ हल चलाते थे अब वो डिजिटल भी जानते हैं। जवान पीढ़ी के हाथों में जब से ताकत आई, राजस्थान वाले सपने पूरा करना सीख गए, हम आगे बढ़ना सीख गए। वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा जो बेरोजगार युवकों के लिए जो योजना बनाई गई थी, उसके तहत मुझे ग्रामीण बैंक में क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिली है। मैडम, वसुंधरा राज्य के कारण काफी डेवलपमेंट हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, ये सब पहले नहीं थी। वसुंधरा राज्य जी के कार्यकाल में करीब 54 से 55 सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इससे बच्चे जो हैं वो आगे जा कर के उनका मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धि और शिक्षा पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने हमेशा 36 के 36 कौम को साथ लेकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का मन से प्रयास किया और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि दोबारा आवे और दोबारा सीएम बने। जो मेरे साथ है मैं उसी के साथ हूँ, मैं वसुंधरा जी के साथ हूँ। मेरी वोट देने की बारी आएगी तो हम वसुंधरा को ही वोट देंगे। मेरी सरकार वसुंधरा सरकार। हम तो वसुंधरा सरकार के ही साथ में हैं। मैं वसुंधरा जी के साथ हूँ। उन्हें जिताएं, उन्हें फिर वापिस लाएं। कहता है कि विकास नहीं हुआ। जब से इस सरकार ने राजस्थान का हाथ थामा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब में विकास हुआ, राजस्थान आगे बढ़ा। आपके सपनों का राजस्थान बनाना सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, 5 साल में ये बीज पौधा बना है। अब हमें इसे और सींचना है, तभी ये पौधा एक दिन पेड़ बनकर आने वाली पीढ़ियों को फल देगा, छांव देगा। राजस्थान तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आओ साथ बढ़ें।
जिसने राजस्थान को नई दिशा दिखाई, उसका हाथ फिर से थामना है। आने वाले 5 सालों में राजस्थान को और आगे ले जाना है। आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे को वोट दें। आओ साथ बढ़ें।